पेरिस में हो रहे ओलंपिक्स में कहीं ना कहीं मनु ने वो खाता खोला और उसके साथ अब उनके साथ में सरबजोत भी जो है साथ दे रहे हैं और दोनों से प्रधानमंत्री ने बात की। अभी बहुत से खिलाड़ियों का दमखम देखना बाकी रह गया, लेकिन भारत ने बहुत साल के इंतजार के बाद जैसे कहें कि अभिनव और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्होंने ये हमको अवार्ड जिताया था गगन नारंग तक, उसके बाद विराम सा लग गया था और काफी बेसब्री से हम इंतजार कर रहे थे इन मेडल्स का। कहीं ना कहीं मनु ने वो खाता खोला और मनु ने तो एक नहीं बल्कि अभी दो दो मेडल ले लिए हैं और इस पर उनके माता पिता काफी खुश नजर आए। प्रधानमंत्री ने बातचीत की और सबसे मेन चीज जो देखने की रही, जब रिपोर्टर उनसे पूछता है तो उन्होंने ये कहा कि जब मैं अपने कार्य में बिजी रहती हूँ, व्यस्त रहती हूँ और जब मैं निशाना साधती हूँ तो मुझे गीता के एक एक शब्द याद आते हैं और मैं फ्री टाइम में गीता पढ़ती हूँ, जीवन जीने के सार के बारे में जानती हूँ और पूजा पाठ बहुत करती हैं। आपने देखा होगा कि महामृत्युंजय जाप कर रही थी और इसके अलावा हवन पूजन भी करती हैं, अपने आप को फिट रखती हैं। और आज कहीं ना कहीं सभी लड़कियों को उन्होंने गौरवान्वित किया है, खासकर भारत की बेटियों को जो है वो मान दिलाया है, सम्मान दिलाया है। उनकी माता भी बड़ी खुश है, पिताजी भी बड़े खुश है। It actually sunk in now. You're an Olympic medalist. Yes, it has sunk in now because I have a match to shoot tomorrow. But the feeling is surreal. I feel so good. I feel really happy that I could win this medal for all of us. And this is coming home after so long, so many years it's been for shooting in the like winning a medal, podium finish and all. So I'm so happy that it's coming home with me, and maybe many more will come in the following days, maybe in shooting or other sports, but many more. Many more can actually happen if Manu can get us two more. It's all right. It can be a better color as well. Yeah, I can try. I will definitely try my best, but you never know like what the outcome shall be. So. आप देख सकते हो मैं वैसे ज्यादा ना मेरे सोसाइटी वाले कुलीग ज्यादा खुश है, पूरा देश खुश है। मनु ने शुरुआत की है ओलंपिक में मेडल से और अभी तो मनु के इवेंट्स बाकी हैं। इस उसके लिए मैं आप सबका, देशवासियों का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हर मुकाम पे, विशेषकर पत्रकार बंधुओं ने और टीवी मीडिया ने ना मनु को बहुत हौसला दिया है, बहुत सपोर्ट किया है और उसको बहुत बार उसमें रखा है। तो मैं आप सबका विशेष धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ साथ में मनु को जहाँ पे भी मदद मिली है वो लगभग हर कॉर्नर से मदद मिली है। स्पोर्ट्स मंत्रालय से भी टॉप्स एक डिपार्टमेंट है वहाँ से, स्पेशली फेडरेशन से उसकी सारी बातें मानी गई है, उसको सारे इक्विपमेंट और ये चीजों में हेल्प मिली है और OGQ उनका मदद करती है और साथ में जसपाल राणा के साथ में जुड़ने के बाद में मनु का हौसला जो है काफी बूस्टअप है और देशवासियों के दुआएं और आशीर्वाद से वो ये कर पाई। क्या कहोगे, क्या कहेंगे, कुछ बोलो, क्या कहूँ, आशीर्वाद हो, बहुत बढ़िया बेटी ने बहुत तारीफ करी है, बेटी ने बहुत बात करी है। तो बेटी को किस तरह स्वागत करोगे? हाँ करेंगे। क्या खिलाओगे? क्या खिलाएंगे, सोना की टूम गाल दूंगी, चैन निकाल दूंगी और क्या करूँ, कुछ स्पेशल बनाओगे बेटी के लिए, पोती के लिए बनाओगे कुछ स्पेशल? कुछ बनाओगे, आओगे जब बनाऊंगा, यही आओगे जब बनाऊंगी। हाँ अब देश में पूरे विश्व में तीसरे नंबर पे आ गई है। हाँ ठीक है, मेडल अच्छा है? अच्छा, बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। हमारा संघर्ष तो जब से मनु पैदा हुई थी तब से हमारा तो माँ बेटी का संघर्ष चल ही रहा। बोलते हैं कि औरत जब उठती है तो उसको गिराने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन भगवान का साथ रहा है मेरे साथ में। ससुराल में गिराने की कोशिश तो बहुत करी थी बट मैं पीछे मुड़ के मैंने देखा ही नहीं, मैं आगे निकलती चली गई और आज यहाँ खड़ी हूँ मैं निकल के। आज भी हमारे ग्रामीण अंचल में महिलाओं को तुच्छ दृष्टि से ही देखते हैं कि ये तो पैर की जूती है, क्योंकि मैं वो सब सहन करके आई हूँ। Congratulations, Abhinandan. I really appreciate Manu because she comes from a middle, like tier 2 kind of city, a smaller state. And you know, first time she has gone to Olympics, she has won medals, two medals, and it's something I feel all should be proud of. And all girls in our country should look forward. It is not the money, it's the hard work and you know, it's a hope.
एंड शियर हार्ड वर्क हैज ब्रॉट हर टू दिस डे. सो आई कॉन्ग्रेचुलेट एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट एंड कमिंग ईयर शी शुड गेट ऑल द गोल्ड. मे गॉड ब्लेस. नमस्ते, मैं प्रधानमंत्री जी की कार्यालय से बोल रहा हूँ. प्रधानमंत्री जी बात करके मैं दे रहा हूँ. जी नमस्ते सर. हेलो हेलो नमस्ते सर. हेलो नमस्ते. खूब खूब अभिनंदन आपको. बहुत बहुत बधाई. बहुत बहुत शुक्रिया सर. आप कैसे हैं? मैं बहुत मजा से. आप तो ये तुम्हारी सफलता का खबर सुनने के बाद और उत्साह और आनंद में हो. जी अच्छा कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी यहाँ पे अभी. आप स्वयं को वैसे पॉइंट वन से आप सिल्वर आपका रह गया. जी लेकिन उसके बावजूद भी आपने देश का नाम रोशन किया. आप आपको दो प्रकार की क्रेडिट मिल रही है. एक तो आप कहाँ से पदक लाई लेकिन भारत की पहली महिला है जो मेडल लेके आई हो. जी सर. हाँ जी शुक्रिया सर. मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है. देखिए टोक्यो ओलंपिक्स में राइफल ने तेरे साथ दगा कर दिया. हाँ जी. लेकिन इस बार तुमने सारी कमियों को पूरा कर दिया. बिल्कुल सर. अभी और भी मैचेस हैं आगे तो उनमें भी उम्मीद रहेगी कि अच्छा करूं मैं. मुझे पक्का विश्वास है आगे की मैचेस भी बहुत अच्छा करोगी आप. क्योंकि ये बिगिनिंग इतना अच्छा है उसके कारण तुम्हारा उत्साह भी बढ़ेगा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा. जी सर. और देश को भी उसका लाभ होगा. बिल्कुल सर. बाकी सब साथी एकदम प्रसन्न है. व्यवस्थाएं ठीक है सर वहाँ? सब बहुत खुश है सर. और अभी नमस्ते भी कह रहे हैं आपको. हमने भी कोशिश की है कि वहाँ इतना ज्यादा सुविधाएं मिले सब हमारे खिलाड़ियों को. खेल की दृष्टि से जो कम्फर्ट चाहिए सब देने का प्रयास तो किया है. अच्छा सर. अभी तो सब कुछ है हमारे पास तो सारे प्रयास सफल रहे आपके. मुझे लगता है सब इजी है. आप लोगों की मेहनत रंग लाने वाली है. बिल्कुल बिल्कुल. चलिए घर पे बात हुई है रामकृष्ण जी से? अभी तो नहीं हुई सर. शाम को घर जाके करूंगी. जब रूम पे जाएंगे तब बात होगी घर पे. हाँ जी. हमारे पापा को बहुत खुशी होगी क्योंकि उन्होंने तुम्हें बहुत प्रोत्साहित किया है. बिल्कुल. माँ भी और पिताजी भी और भाई भी. जी चलिए मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है. बहुत बहुत शुक्रिया सर. थैंक यू. जी नमस्ते सर. पेरिस ओलंपिक में अभी हमको और भी मेडल्स की जरूरत है और हमें इंतजार है कि किस किस खेल से हमें मेडल मिलने वाले हैं. और कहीं ना कहीं ये जो पूरा ओलंपिक चल रहा है इन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने के लिए प्रधानमंत्री उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं. और आपने देखा भी होगा कि सारे खिलाड़ियों से जब वो मिले थे, मुखातिब हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि अपना जो ध्यान है लक्ष्य के तरफ लगाए रखना और अपने मन को यहां वहां भटकने मत देना. और अगर जब आप लक्ष्य के प्रति ध्यान केंद्रित करेंगे तभी जीत संभव है. और बाकायदा प्रधानमंत्री ने सारे खिलाड़ियों से बातचीत करके उनकी हौसला अफजाई की थी. आप देखिए कि 2014 के पहले भी खिलाड़ी जाया करते थे, मोरल थोड़ा डाउन रहता था, लेकिन अब जो है खिलाड़ियों के हौसले बुलंद रहते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री उनके मान सम्मान के लिए खड़े रहते हैं और साथ ही साथ हौसला अफजाई करते हैं. और वो खिलाड़ी पूरे तन मन धन से जो है कार्य करता है क्योंकि धन सरकार भी लगाती है उनके बेहतर कोच के लिए, बेहतर ट्रेनिंग के लिए. और अब हमें इंतजार है कि हम अन्य फील्ड में भी जो है मेडल देखें, सिल्वर देखें, गोल्ड देखें. इंतजार पूरी भारत की जनता कर रही है. लेकिन हम मनु के साथ सरबजोत को भी बहुत ढेर सारी बधाइयां देते हैं और साथ ही साथ आने वाले समय में हम चाहते हैं कि और भी मेडल आए. मैं आपसे यही कहूंगा कि ये देश के लिए कुछ कर गुजरने का एक अवसर होता है. आपने अपनी तपस्या से इस स्थान तक पहुंचे हैं, अब आपके लिए अवसर है देश को कुछ देने का. और देश को देने के लिए खुद का बेस्ट खेल के मैदान में देना पड़ता है.
जो खेल के मैदान में खुद का बेस्ट देता है वो देश के लिए गौरव लेकर के आता है। और मुझे पक्का विश्वास है कि हमारे सभी साथी इस बार पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके आएंगे। आप में से खेलो इंडिया से निकल करके खिलाड़ी बने ऐसे कितने हैं? अच्छा, ये भी काफी लोग हैं। तो आपका क्या कैसा कौन सा खेल रहा क्या है बता दीजिए जरा। हेलो सर, मैं स्विफ्ट हूँ और मैं शूटिंग करती हूँ। तो खेलो इंडिया ने मुझे काफी हेल्प की है क्योंकि दिल्ली में ट्रेनिंग करके और उस टीम में आके जो भी मेरा रिजल्ट आया तो खेलो इंडिया कारण ही आया। चलिए, अच्छी शुरुआत है। हाँ जी, आपका? नमस्ते सर, मेरा नाम मनु भाकर है। मैं शूटिंग में ही अभी दूसरा ओलंपिक मेरी इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगी। 2018 में जो फर्स्ट एडिशन था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का, उसमें मैंने नेशनल रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता था और वहीं से उसके बाद मैं टॉप्स के कोर ग्रुप में आ गई थी। और तब से बस ये था कि इंडिया की जर्सी चाहिए और इंडिया के लिए खेलना है। और खेलो इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो बहुत सारे लोगों को उसने एक मार्गदर्शन दिया है और आई थिंक वहाँ से काफ़ी सारे एथलीट्स ऐसे हैं जो आज मैं अपनी टीम में देखती हूँ, मेरे साथ भी खेलते हैं और मेरे से जूनियर भी हैं जो खेलो इंडिया से आए हैं। और उसकी एक बड़ी स्टेप होती है टॉप्स, जो मुझे 2018 से ही उसका सपोर्ट मिला है और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि इनकी सपोर्ट की वजह से जो एक खिलाड़ी की छोटी छोटी समस्याएँ होती हैं वो उनका हल निकाल देते हैं। तो आई थिंक बहुत मेजर रोल प्ले किया है मेरे लिए तो खेलो इंडिया ने और टॉप्स ने। सो जी सर, जो आज मैं यहाँ हूँ मैं उसके काफी हद तक उसका सहारा रहा है। बहुत अच्छा फील हो रहा है इस टाइम पे और इंडिया के लिए पहली बार मैंने ओलंपिक में मतलब अपने इतना बेस्ट दिया और होप करता हूँ नेक्स्ट ओलंपिक में भी अपना बेस्ट दूं। बिल्कुल, और आप ये बताएं कि जो मनु जी हैं आपकी जिनसे जुगलबंदी का क्या राज है कि आप लोग तो कितनी अच्छी जोड़ी बनी है, आप एक दूसरे का बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हो। आज भी हम देखा जब आपका शॉट लग रहा था वो अच्छा स्कोर करती, जब उनका स्कोर थोड़ा सा 19-20 हुआ तो आप बहुत अच्छा कर रहे थे। इस जुगलबंदी का क्या राज है, क्या है आपकी केमिस्ट्री है आप दोनों की? आप वैसे हम इतना एक दूसरे से मतलब बातचीत नहीं होती क्योंकि सबकी दोनों के एक तो अलग अलग इवेंट हो गए, टाइमिंग भी अलग अलग बैठती है तो उसका फिर काफी डिफरेंस है। बट वैसे हमारी मिक्स टीम फर्स्ट 2019 में नेशनल में बनी थी और उसके बाद काफी मैचेस में भी हमारी सेम रही है और उनमें भी मेडल आए हैं काफी। आप लोग जब अंदर जा रहे थे कल, जब आप लोग पता चला कि आप मेडल राउंड में पहुंच चुके हैं, एक होता क्वालिफाई करना था, मेडल राउंड में पहुंचे, तो आपस में क्या ऐसी बातचीत हुई थी कि जाने से पहले कि हाँ अब क्या बात कर रहे हैं, ऐसी क्या बात हुई थी? बातचीत बस इतनी हुई थी हमारी कि जस्ट हम दोनों का अपना अपना बेस्ट देना, दैट्स इट, और कुछ नहीं था। हेलो नमस्कार सर, मैं आपने देश का नाम भी बड़ा किया, देश का मान भी बड़ा किया और आपकी मेहनत रंग लाई है। हाँ, मनु को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। हाँ जी, हाँ जी। और आपने ये किया, आपके डिवीजन में थोड़े से रह गए लेकिन आपने हाँ जी बस वो दिखा दिया। हाँ जी, एक ही टाइम से रह गया उसके अंदर में, बट कोई नहीं, नेक्स्ट ओलंपिक में और अच्छा करके जाऊंगा, उसकी तैयारी ज्यादा अच्छी है। क्वालीफाई किया था जी मनु भाकर जी ने और सरजोत जी ने, कल क्वालीफाई किया था जी, अब आज इसका फाइनल होया जी। फाइनल में इसमें ब्रॉन्ज मेडल के लिए ही मैच खेले गया जी, ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच खेले गया, ब्रॉन्ज मेडल मनु भाकर जी को और मेरे सरजोत बेटे जी को मिल गया जी। मनु भाकर जी को बहुत बहुत बधाई जी, मनु भाकर जी के फैमिली को बहुत बहुत बधाई जी। कितनी खुशी बहुत है सर। गाँव में क्या? मैं पहले पजोखर साहब गुरुद्वारे में जाऊंगा जी, मान नमस्ते होगा उसके बाद घर जाऊंगा जी। गाँव में जश्न मनाएंगे? हाँ, गाँव मनाएंगे जी। माता जी ने मैच देखा? नहीं जी, मैच नहीं, वो भी नहीं, बिल्कुल भी मैं भी देखा कभी, उसकी माता भी देखा कभी। थोड़े देर सर 4-5 साल पहले यहाँ मैच कराया था अभिषेक राणा जी ने जी, 4-5 साल पहले अभिषेक राणा जी ने यहाँ मैच कराया था जी, ओपन मैच कराया था जी, उस टाइम में सारे जो तुमने वर्ल्ड कप के लिए जाना था जी। पेरिस में हो रहे ओलंपिक्स में रोज भारत देश के लिए एक नया मील का पत्थर साबित हो रहा है। मनु ने एक बार फिर मेडल लेकर कहीं ना कहीं सरबजोत के साथ जो ट्विनिंग थी उनकी, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल फिर अपने नाम कर लिया है। मतलब ये कि एक ऐसी महिला जिन्होंने ओलंपिक्स में दो पदक जीत लिए हैं
और उससे पहले अगर मैं बात करूं एथलीट में अगर बात करूं तो पीवी सिंधु और साथ ही साथ सुशील कुमार ने 2 पदक लेकर ये अवार्ड अपने नाम किया था, लेकिन ये पहली महिला हो गई हैं जिन्होंने राइफल्स में जो है इस प्रकार का कार्य किया है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अब स्वप्निल ने भी एक ब्रॉन्ज मेडल दिलाकर भारत का नाम रोशन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां सरबजोत से भी बात की, मनु से बात की, और अब बारी स्वप्निल की भी आने वाली है। और उन्होंने बाकायदा ट्वीट कर और फेसबुक पर बाकायदा अपने सोशल मीडिया के थ्रू जो है उन सभी को शुभकामनाएं दी हैं। और अब जो है भारत को और भी अवार्ड का इंतज़ार करना पड़ेगा। साथ ही साथ अब नज़र जो है वो रजत और गोल्ड पर भी है। और अंबानी फैमिली पहुँच गया है हौसला अफजाई करने के लिए इन सभी खिलाड़ियों का। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं पूरा भारत देश जो है शुभकामनाएं दे रहा है अपने इन महारथियों को। आप क्या कहते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा।